तबे ए खबर प्रसारित होबा परे वर्तमान चारिआडे चर्चा जे स्वामी हेबो तो एमिती स्त्री पई तयारी करिछंती 7 कोटीर मंदिर जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक चिकणा गांरे बैजयंती लेंकांक स्वामी क्षेत्रवासी लेंका गढ़ी संतोषी मांकर भव्य मंदिर 65 फुट उच्चता विशिष्ट संतोषी मांकर मंदिर तयारी होईछि बिल्कुल दक्षिण भारतीय शैली रे तयारी होईछि ए मंदिर जेउंतिरे रहिछि सुंदर कारुकार्यपूर्ण महल मंडप मुखशाला 2008 आरंभ होइथिबा ए मंदिर काम वर्तमान संपूर्ण होईछि आसंता 28 तारीख रे प्रतिष्ठा हेबाकु जाउछि ए मंदिर 1992 मसीहारे क्षेत्रवासी ओ बैजयंतीकर विवाह होइथिला विवाह पूर्वरु पत्नी संतोषी मांकर भक्त थिले गांरे मंदिर निर्माण लागि पत्नीकर एही इच्छा थिला 30 लक्ष बजेट रे मंदिर निर्माण करबा लागि 2008 मसीहारे भूमि पूजन करथिले से किंतु 2023 रे कार्य संपूर्ण हेबा बेळकु एहा 7 कोटीर एक विशाल मंदिर भाबे ठिया होइछे गांरे एमिति भव्य मंदिर तयारी हेबा परे एहा संतोषी मांक भक्तंक पई मध्य आकर्षणीय स्थल पालटिबाकु जाउछे ए भव्य मंदिर देखिबा पई समस्तंकर वर्तमान आग्रह बढ़ुछि इच्छा बढ़ुछि जे बिल्कुल दक्षिण भारतीय शैली रे आमो राज्य रे मध्य एभली भव्य मंदिर तयारी करा जायछि निर्माण करा जायछि जहां पुनी जणे पत्नीकर इच्छा को पूरण करबा पई जणे स्वामी तयारी करिछन्ति जेभली भाबरे कहिबार थिला जे 2008 मसीहारे एहार गोटे प्रकार भूमि पूजन होइथिला एवं एहा परे पूजा होइथिला किंतु लक्ष्य से रखिथिले जे 30 लक्ष टंकारे एक छोटो मंदिर गाँवें से तैयारी करेंगे गाँव में संतोषी माँ मंदिर नथिला तांकर पत्नीकर इच्छा थिला से जेहेतु जड़े संतोषी माँ भक्त एवं तांकर इच्छा थिला गाँव में गोटे छोटो संतोषी माँ मंदिर तैयारी करिबा किंतु 30 लक्ष टंका व्यय से अटकल गोटे प्रकार रखिथिले किंतु मंदिर जेतेबेले 2023 मसीहारे शेष होइछि वर्तमान रो खर्च जदि देखिबा ताहा 7 कोटी होइछि एवं मंदिर छोटो मंदिर नाही एक विशाल आकारर माँ संतोषी माँकर मंदिर सेठारे छिड़ा होइछि आपण माने जानी आश्चर्य होथिबे जे पत्नी संतोषी माँकर भक्त थिले आउ तांकर इच्छा पूरण करिबा पई एमिति एक सुंदर मंदिर गाँवें तयारी करिछंती शिल्पपति क्षेत्रवासी लेंका घर तांकर जगतसिंहपुर किंतु से हैदराबाद रो जणे प्रतिष्ठित शिल्पपति एक छोटो मंदिर तयारी करिबा पई से मनस्थ करथिले किंतु संतोषी माँक कृपारु आशीर्वादरु 7 कोटी व्ययरे एमिति एक विशाल मंदिर ठिया होइगला ताहा मध्य तांकु आश्चर्य करिछे जे मु मात्र 30 लक्ष टंकार गोटे प्रकार खर्च आकलन करथिली एवं तारि भितरे माँकर गोटे छोटो मंदिर तयारी करिबा पई इच्छा प्रकट करथिली जहाँकि तांक पत्नीकर इच्छा थिला किंतु वर्तमान समय रे जेतेबेले मंदिर आकार में देखुछे ताहा मध्य विशाल एवं खर्च 7 कोटी टंका मंदिर मुखशाला 86 फुट होता बेले उच्चता 65 फुट रही 1992 मसीहारे क्षेत्रवासी एवं बैजयंतीकर विवाह होता विवाह पूर्वरु पत्नी संतोषी मांकर भक्त थिले माने बैजयंती संतोषी मांकर भक्त पिला बेलु थिला थिबे थिले बोली जणा जाय गाँवें मंदिर निर्माण करबा लागि तांकर पत्नीकर इच्छा थिला आउ एथि पई क्षेत्रवासी लेंका मध्य गोटे प्रकार मनस्थ करथिले जे पत्नीकर जहाँ इच्छा रहिछि ताकु से दिने ना दिने पूरण करिवे एवं 30 लक्ष टंकार व्यय अटकल से गोटे प्रकार करथिले जे 30 लक्ष टंका मो सक्षम अनुसार मु तयारी करिवि मंदिर किंतु 2008 मसीहारे तांकर भूमि पूजन होइथिला 30 लक्ष बजेट रे मंदिर निर्माण करबा लागि से गोटे प्रकार भूमि पूजन करथिले किंतु 2023 रे जेतेबेले कार्य वर्तमान शेष होइछि 7 कोटीर एक विशाल मंदिर छिड़ा होइछे गाँव एमिति भव्य मंदिर तयारी हेबा परे एठारे संतोषी मांक भक्तंक पई मध्य एक आकर्षणीय स्थल पालटिबाकु जाउछे कारण एभली भव्य मंदिर एभली विशाल मंदिर एवं एक सुंदर मंदिर जहाँकि बिल्कुल दक्षिण भारतीय शैली रे तयारी होइछे आमे समस्ते जानिछे दक्षिण भारतीय शैली रे मंदिर गुड़िकर कारुकार्य मंदिर गुड़िक सुंदर भाव में निर्माण करा जाइथाय एवं बिल्कुल दक्षिण भारतीय शैली रे एठारे मध्य निर्माण करा जाइछि मां संतोषी मांकर मंदिर जहाँ को देखिबा पई निहाती भावरे आगो को भक्त श्रद्धालुंकर सुअ छुटिबो ये मंदिर निर्माण कार्य 2023 मसीहारे शेष होइछि एवं जहाँ सूचना रहिछि मंदिर प्रतिष्ठा पई आसंता 28 तारीख रे यज्ञ आरंभ करा जिवो एवं एहि यज्ञ 4 दिन पर्यंत चली रहिबो एहा परे समस्तंक पई मंदिर खोला रहिबो केवल जे जिलावासी नुहंती राज्यर कोण अनुकोणरु राज्य बाहर संतोषी
भक्त मानकर सुआ जे छुटिबो एथिरे कोनसी प्रकार विमत नाही। किंतु सबुठु बड़ कथा हेउछि जहाँ को नहीं वर्तमान चारिआड़े चर्चा जे पत्नी जो इच्छा रही से इच्छा को पूरण करिछंती तांको स्वामी एवं मांकर संतोषी मांकर एक विशाल मंदिर एक भव्य मंदिर से निर्माण करिछंती। से पूर्वर कहुथिले जे तांकर गोटे इच्छा थिला जे 30 लाख बजेट मु नै थिली 30 लाख बजेट रे गाँव रे जेहेतु गाँ बा गाँर आखपाखे माँ संतोषी मंदिर ना तेणु पत्नी जितेबाला गाँव में रोते से पूजा करने से दूर को जाते तेणु इच्छा पूरण करने से ए मंदिर तैयारी निष्पत्ति ने घर तो जगत सिंहपुर कि रुहती हैदराबाद हैदराबाद से जड़े प्रतिष्ठित शिल्पपति किंतु पत्नी इच्छा था गाँव में आम माँ संतोषी मंदिर करवा से इच्छा को पूरण करने से गाँव में एक भव्य मंदिर तैयारी संपर्क में अधिक आलोचना करवा जाजपुर सीधासख रही प्रतिनिधि सुरेन्द्र सामल। सुरेन्द्र चारिआड़े वर्तमान चर्चा जे पत्नी इच्छा पूरण करने स्वामी ए प्रयास निश्चित भाव मधु देखो जो भाई भाव में सारा अंचल बर्तमान प्रचार प्रसार एवं जो पति पत्नी कथा को लेकिन बर्तमान समस्ते खुशी बार्ता भी देखते कारण पत्नी इच्छा को जैक बर्तमान ये पाखापाखि 7 कोटी टंकार जो संतोषमा मंदिर बर्तमान निज बासभवन कर सबुठ बड़ कथा हूँ दीर्घ 30 वर्ष बीती जाते जो कथा पत्नी कही पूरण करके आज देखाई आगामी 28 तारीख आसंता 28 तारीख ता बर्तमान पूजा पाइबे माँ संतोषी मंदिर एवं से पूरा प्रस्तुत रही कारण अंपटे कह बिंझारपुर अंचल समस्त खुशी देखा मिली और उभय पति पत्नी खुशी देखा मिली आम ते प्रतिक्रिया नाक चेषा कर प्रतिक्रिया कही एभली एक स्वप्न जे मुझे भावि नी आज मोर स्वप्न पूरण हम एवं आज से दिन में पूरण हो केवल मो मंदिर नुहे यह समस्त माना आ सब बड़ कथा हूँ जिते स्वामी एभली गोटे उपहार भेट देते तो सीए खुशी जे कौन से खुशी माने भाषा भी से कही पार नाते के खुशी तो आम मुहर शुणा मान चेषा करवा कारण आज किसी समय से आम पाखे आँचे और प्रतिक्रिया नाक चेस्ट करवा कि अंचल समस्ते आज मंदिर पर खुशी और ये पतिपत्नी नहीं बेस गर्वित सब बड़ कथ जो जगत सिंहपुर घर होते निज घर छाड़ी जो शशुर घर आस गाँव में से भाई एक मंदिर कर भव्य एवं जो रही बड़ आकार मंदिर कर साउथ रहा दक्षिण भारतीय स्टाइल प्रशिक्षण मान मंदिर निर्माण कर बहुत सुंदर कारुकार्य कर लोक मैंने भक्त मैंने जो आसवे दर्शन करेंगे व्यवस्था करेटी सुरखुरी दर्शन करेंगे शांति श्रृंखला भाव में से प्रसाद सेवन के करेंगे प्रत्येक दिन ताहा कर तेणु अन्य पक्ष कह जो स्वामी जो पति पत्नी उभयों मध्य जो संपर्क ता आज पति पत्नी को देखने लगुच्छे निविड़ संपर्क और केते भल पाइबा निहाती भाव में सुरेन्द्र एवं तांको पत्नी इच्छा पूरण करने से भली करिछंती जहाँ आपण सूचना देउथिले जाजपुर जगत सिंहपुर घर किंतु जाजपुर से आसी ए मंदिर करिछंती कारण तांको पत्नी इच्छा थिला से पिला बेलो मांकर आराधना करुथिले एवं तांको गाँव में से भली मंदिर एक निर्माण करने स्वामी कहते स्वामी से इच्छा पूरण करिछंती। तेबे सुरेन्द्र जानिबापई चाहिबो जे वर्तमान मंदिर कार्य शेष अवस्था को पूरा आसी शेष पर्यायर पहुंची सारी कह कारण 28 तारीख दिन प्रतिष्ठा रोचे और पूजा प्रतिष्ठापी यज्ञ चलो चारिदिन पर्यंत यज्ञ चलो से कौन सब कार्यक्रम कि सूचना मिल पार निश्चित भाव में जेहेतु 28 तारीख माँ संतोषमा मंदिर पूजा पाइबे से शेष पर्याय प्रस्तुत शेष पर्याय हो जाए अंपटे ब्राह्मण मैंने आसी सारे सेपटे यज्ञ केमी कौन व्यवस्था करें लोक मैंने ग्रामवासी मैंने दुईज दुई पतिपत्नी को हाथ बढ़ाई अंपटे आम कह संपूर्ण भाव में शांति श्रृंखला केमी पूजार्चना करवस्था कराण ये 28 रु मार्च 4 तारीख पर्यंत पूजार्चना चलो ये चारिदिन जाक कि भाव में पूजार्चना माँ केमी पूजा पाइबे से ये जो रही उभय पतिपत्नी पूरा व्यस्त ब्रत रही कारण माँ को तांकर निज आसन बसाइबे एवं पूजा अर्चना करेंगे से समस्त प्रकार व्यवस्था कर प्रस्तुत शेष हो गला रंग मानने जी कह मंदिर संपूर्ण कार्य संपूर्ण रंग कार्य जहाँ रही नीति रीति से कम आरंभ हो कारण जेहेतु 28 तारीख पूजा पाइबे अंपटे आम कह कारण आम जो पचारूँ से जो बड़े छुआ बेले पूजा माँ संतोषी से
ଓଷା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ଯେମିତି କେହି ବି ବାହାରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବେନି କି କୌଣସି ପୂଜାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିପାରୁଛି ଯଦିଓ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏ କଥାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଯଦି ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଶା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜି ଯଦିଓ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ କାରଣ ଏଭଳି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି କେବେ ବି ସେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ହେବ ଯେଉଁଠିକି କେବଳ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଯାଜପୁର ଓ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏଭଳି ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ହୁଏତ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ଯାହା ଏହି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ କାରଣ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ତାଙ୍କର ସାକାର କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେମିତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସରିବ ଏବଂ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଏତେ ବଡ଼ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସାରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛୁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେଦିନର କଥା ଏବଂ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପୂରଣ ହୋଇଛି ମାନସିକ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ପାଇ ବିଶେଷ କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛୁଆବେଳେ ପୂଜା କରିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଆଜି ସେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ବୋଧେ ଆସିଲେଣି ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଖୁସି ରହିଛି ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାରଣ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ପରେ ବୋଧେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏଭଳି ଏକ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇକି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ସିଏ ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବି ବୋଲି କାରଣ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସହ ଛୁଟିଛି କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସହ ଛୁଟିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଖୁସି ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେଠାରେ କେବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବା ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅତି ନିକଟରୁ କରିପାରିବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ